कब से पढ़ रहे हैं आपके बच्चे विजडम स्कूल में? मेरी बच्ची तो शुरू से यहीं पे ही है, फ्रॉम प्ले वे, और अभी वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में है, तो तभी से वो यहीं पे ही है। आपको क्या अलग लगता है जो और स्कूलों में नहीं है, विजडम में आपको मिल चुका है? लर्निंग विद फन, क्रिएटिविटी, रोल प्लेइंग, जो अभी मैंने फिफ्थ स्टैंडर्ड में देखा, जैसे टेंसेस सिखाया आपने, तो बच्चे को हर एक रोल दिया आपने, तो जो चीज़ उसको लर्न करने में से आप सिंपल टेंस, पास टेंस, बच्चे के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट जब वो रोल से लर्न करता है तो उसके लिए इजी। प्लस अभी निमोनिक सिखाए, दादी जल्दी घर आ जा, है ना, तो उससे बच्चे को लर्निंग क्या हुआ, बहुत इजी हो गया, स्ट्रेस फ्री है। अभी आपने डीफॉरेस्टेशन का टॉपिक दिया बच्चे को, तो वो सिर्फ ड्राफ्टिंग लेता है कि डीफॉरेस्टेशन क्या होता है, और अपना उसकी इन्फॉर्मेशन जो है गैदर करेगा, चाहे वो न्यूज़पेपर से रीडिंग के बाद, और फिर खुद उसको लिखेगा। मैंने अभी उसको कभी अभी तक हेल्प नहीं किया है, एंड शी इज़ वेरी गुड इन राइटिंग, आई एम फुली सेटिस्फाइड बाय दिस सिस्टम। एनी अदर पॉइंट्स यू वांट टू ऐड इन द विजडम? नो, नाउ दिस सिस्टम इज आई थिंक कम्प्लीट सिस्टम, क्योंकि जब भी छोटी थी तो मुझे लगता था कि कुछ ऐड करना पड़ेगा, मे बी इंग्लिश में, मे बी वोकेबलरी, मे बी ग्रामर, बट जो मैं अब देख रही हूँ इनका पैटर्न, लर्निंग बाय डूइंग, वो बेस्ट है, और बच्चा बहुत ईजिली सीख रहा है उससे, लर्निंग बाय डूइंग एंड हाँ प्रैक्टिकल, है ना। अभी इनकी क्लास में भी बच्चे जो हैं प्रैक्टिकल करते हैं, साइंस का कोई प्रैक्टिकल बच्चा करके लाया था, फिर उसने समझाया, कोई सॉल्यूशन के ऊपर था, तो बच्चे अपने आप भी काफ़ी डिस्कस कर रहे हैं साइंस को। अभी हालांकि प्रॉपर सब्जेक्ट आया नहीं है, ईवीएस के अंदर ही है, बट मुझे उससे लगता है, मैंने कभी उसका सिलेबस नहीं दिया देखा फ्रेंकली, कभी उसको हेल्प नहीं किया, पर मुझे लग रहा है बींग अ टीचर कि वो काफ़ी कुछ समझ रहे हैं जो हम बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, वो आपस में ये भी कर रहे हैं। तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि सिक्स स्टैंडर्ड में उसको क्या चेंज आएगा, क्योंकि जो भी जैसे हम नॉर्मली टेंथ स्टैंडर्ड में निमोनिक्स यूज़ करते हैं और वो फिफ्थ स्टैंडर्ड में यूज़ कर रहे हैं, तो वो काफ़ी इम्प्रेसिव लगा मुझे। ओके, जो भी छोटे मोटे जैसे हमारे जो कन्फ्यूज़न थे, जैसे शुरुआत में हम एंटर किया तो हमारे जो कन्फ्यूज़न थे, भाई पता नहीं कैसे होगा, कैसे करेंगे बच्चे, कैसे कर पाएंगे, उस वो हमारा सब दूर हो गया, मतलब अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सब जो है परफेक्ट वे से चलता है। बच्चे लाइब्रेरी बुक्स पढ़ते हैं मैम? हाँ जी, पढ़ते हैं। अदर देन सिलेबस? हाँ जी। इज इट गुड? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना उनमें रहता है कि मैं जो फिनिश करूँ और फिर जो है मैं दूसरी लेके आऊँगा, और बर्डन नहीं है, सबसे बड़ी बात है। हम बाकी बच्चों को देखते हैं ना, तो वो भाई ट्यूशन भी जा रहे हैं, घर पे भी उनको पढ़ा रहे हैं, पर हमारा ऐसा कुछ नहीं है। आप मानोगे नहीं, फिफ्थ क्लास का एक बच्चा है जो कि सिर्फ हाफ एन आवर में अपना काम कंप्लीट कर लेता है, होमवर्क, और विदाउट किसी की कोई मदद की उसको नीड ही नहीं है, तो इससे ज़्यादा और हमें क्या चाहिए? ऐसा नहीं है कि ये कोई रटा रहता है, सीरियसली बाय हार्ट ये हम बोल रहे हैं, ये बच्चा जो समझ के जा रहा है उसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर करके जाते हैं, क्लियर करके जाते हैं बच्चे, एंड नो ट्यूशन, और उनको ये भी पता है मुझे होमवर्क करके जाना है, चाहे हम कहें चाहे ना कहें, क्लियर है ये उनको, भाई हमें करके जाना है। चलो, ऑन रिकॉर्ड थैंक्स टू टीचर्स, सीरियसली थैंक्स फॉर योर नहीं सर ने नहीं, मैं सोच रही थी कि ये तो ऑन रिकॉर्ड बोलना है कि सीरियसली थैंक्स टू द टीचर बाय हार्ट, क्योंकि बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन को इतना देखो नहीं पता लगता, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो तो उनके पास अच्छी बातें जा रही है, सब मिलके अच्छा वर्क, अच्छा कर। और कुछ बताइए मैम, इस स्कूल में जो आपको और उसे अलग लगा और स्कूल से? मुझे भी यही अच्छा लगा कि जो इनका करवाने का तरीका है वो बहुत अच्छा होता है, वो बिल्कुल जैसे ना जैसे फ्री सा रहता है बच्चा। और एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि बच्चा कभी छुट्टी नहीं लेना चाहता, हॉलीडे पे नहीं जाना चाहता अपना विजडम स्कूल का बच्चा, कभी भी वो ये बात नहीं कहेगा कि मुझे आज छुट्टी लेनी है मम्मी, मैं तो स्कूल नहीं जाता, सिर्फ इवन बीमार होगा जब मजबूरी में, वरना कहेगा मम्मी दवाई दे के भेज दो, दवाई दे के स्कूल। हाँ, संडे वाले मैंने ये चीज़ अपने स्कूल के विजडम स्कूल में अपने देखी है, मगर मैंने कहीं भी नहीं देखी है किसी स्कूल में बच्चा बचता है स्कूल जाने से, भाई आज टेस्ट है आज मैं नहीं जाता, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, बच्चा जरूर आएगा, कभी उनके 6 साल से ऊपर हो गए शायद 6 या 7 साल, कभी उनके मुँह मैंने ये नहीं सुना भाई मम्मी आज छुट्टी करवा दो। आर यू फुली सेटिस्फाइड? फुली सेटिस्फाइड पेरेंट्स। थैंक यू मैम, थैंक यू।